कल्याण डोंबिवली में रिक्शा चालक मीटर प्रणाली को लगभग भूल चुके हैं और रिक्शा चालकों ने मीटर की तरह रिक्शा चलाने के नियमों से मुंह मोड़ लिया है। मीटर जैसी रिक्शा की सवारी चाहने वाले यात्रियों को व्यापक रूप से खारिज कर दिया जाता है। शेयर के अलावा न्यूनतम किराया दोगुना करना होगा क्योंकि रिक्शा से सीधा यात्रा के लिए मीटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में आज कल्याण आरटीओ कार्यालय में रिक्शा संघों के पदाधिकारियों एवं आरटीओ पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान यात्रियों को मीटर के हिसाब से किराया देने को कहा गया है। आरटीओ कार्यालय में रिक्शा संघों के पदाधिकारियों एवं आरटीओ पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में यात्रियों को मीटर के हिसाब से किराया देने को कहा गया। इस फैसले पर अमल अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और आरटीओ ने चेतावनी भी दी कि मीटर के हिसाब से किराया नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक साझा रिक्शा प्रणाली है, फिर भी मीटर अनिवार्य है। कल्याण डोंबिवली के दोनों शहरों में अधिकांश रिक्शा स्टैंड साझा रिक्शा है। नियमानुसार रिक्शा मीटर की तरह चलने की उम्मीद है। हालांकि शेयर सिस्टम के चलते रिक्शा में लगे मीटर सिर्फ सजावट के लिए रह गए हैं, लेकिन रिक्शा मीटर की तरह नहीं चलते। रिक्शा चालकों ने रिक्शा को मीटर से चलाने से मना कर दिया। कल्याण आरटीओ को कई शिकायतें थी कि किराया मीटर की तरह नहीं बल्कि सीधे वसूला जा रहा है, इसलिए यात्रियों की जेब में कैंची लग रही है। मांग ये भी है कि रिक्शा से सीधे यात्रा करने वालों के लिए मीटर सिस्टम अपनाया जाए, भले ही रिक्शा शेयरिंग पद्धति से शुरू किए गए हों। इस संबंध में कल्याण आरटीओ अधिकारी विनोद सालवी ने आज रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर मीटर से यात्रा करने वाले यात्रियों से मीटर का किराया वसूलने का निर्देश दिया। हमने आज संघटनेचे सर्व पदाधिकारींची बैठक झाली। ज्या प्रवाशांना रिक्षात म्हणजे शेअर रिक्षा ना जायचं असेल त्यांना त्याची सेवा देण्यात यावी, किंवा ज्या प्रवाशांना मीटर प्रमाणे भाडे देऊन रिक्षात प्रवास करायचा असेल त्यांना त्यांनी त्याची सेवा देण्यात यावी, या संघटनेला आम्ही आवाहन केले आहे। हां, ते आम्ही सर्व अधिकारी आता त्या संदर्भात योजना आखतो आहे। पुढील काही दिवसात आम्ही त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत। कसे म्हणजे एखाद्याने समजा प्रवाशांनी मीटरनी जायचं असेल आणि त्याला नाकारलं तर आम्ही त्याच्या संदर्भात पण पुढील योजना करून कारवाई करू त्याच्यावर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।